Hello everyone, myself Hiresh, and along with me we have Chetan Anand, and today we are back with another video where we'll be discussing about the talking points regarding the match which has happened between ATK Mohun Bagan and Mazi F Sports and Recreation. And so I would like to say that ATK Mohun Bagan have won by 3-1 against Mazi FC. So without wasting any more time, let's begin the talk then. So Chetan, what are your thoughts regarding the performance of ATK Mohun Bagan against Mazia Sports and Recreation? 26वें मिनट में उन्होंने 1-0 से आगे हो गए थे मजिया, लेकिन काफी जब कमबैक रहा ना 3-1 का, काफी कंफर्टेबल कमबैक, ऐसा लगा ना कि एटीके मोहन बगान कभी प्रेशर में थे शुरू से लेकर आखिरी तक उन डोमिनेंट दिखे, ज्यादा कुछ खास प्रेशर में लगे नहीं, लगा नहीं कि उन्हें कमबैक का प्रेशर है कुछ खास, काफी कंफर्टेबली पूरा कमबैक उन्होंने कंप्लीट किया, काफी अच्छा लगा देख। स्पेशली मुझे, मैं कुछ पर्सनों का, कुछ प्लेयर्स का नाम मैं ऐड करना चाहूंगा, लाइक एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क, आशुतोष मेहता का जो सब्स्टिट्यूशन हुआ, वाज इट अ टैक्टिकल चेंज अकॉर्डिंग टू यू? कह सकते हैं टैक्टिकल चेंज था, ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा स्टैंडर्डिंग चेंज था, क्योंकि सुमित राठी वाज नॉट लुकिंग इट अ ग्रेट बेस्ट ऑफ हिज सेव। यस, दैट वाज मतलब कि काफी बार माजिया ने लेफ्ट साइड को काफी अच्छे से उन्हें टारगेट किया था। Yes. काफी बार लगा कि सुमित राठी वैसे कुछ फास्ट डिफेंडर है नहीं, जैसा हम हर कोई जानते हैं, काफी बार एक तेज खिलाड़ी से बीट हो जाते काफी आसानी से, और जैसा हमने काउंटर अटैक वाले गोल पे भी देखा, उतने अच्छे से उस फास्ट प्लेयर को अच्छे से टैकल नहीं कर पाए। और मैं भी हवा और माजिया ने इस कमजोरी को उन्होंने पकड़ लिया था, एक तरह से बार बार टारगेट करने आवाज को लेकिन तारीफ करना पड़ेगा कि जी उन्होंने हाफ टाइम में ये चेंज कर दिया, आशुतोष मेहता को तुरंत ले आया वो, पूरा आते साथ उन्होंने एक वक्का असिस्ट दिया काफी अच्छा। तो मतलब ऐसा लगा कि टीम पूरा स्क्वाड का डेप्थ पता चला है कल का मैच देख के इनडायरेक्टली, कि मतलब एक प्लेयर का चेंज हुआ टीम में, पूरा ओवरऑल टीम का स्ट्रक्चर बदल गया, द टीम व्हिच आई वाज सेइंग एट स्टार्ट कि मतलब क्या हो रहा था, इतना एटीके मोहन बगान इज अ वेरी स्ट्रांग टीम, तो मतलब फिर स्टार्टिंग ऑफ में आई वुड लाइक टू मेंशन फ्यू नेम्स लाइक लिस्टन कोलासो, ही वाज ट्राइंग वेरी हार्ड एट स्टार्ट, उन्होंने बहुत ट्राई किया, बहुत सारा चांसेस कर रहा था, लेकिन होपफुली ही वाज नॉट एबल टू डू, बट सेकंड हाफ में जो सब्स्टिट्यूशन हुआ उसके बाद ही वाज लाइक फुल ऑन फॉर्म, ही वाज अपना फ्री किक्स ले रहा था, देन ही वाज ट्राइंग टू टेक कॉर्नर किक्स, देन गोल वाज रियली ब्रिलियंट, देन उसके बाद मनवीर सिंह का काउंटर अटैक पे गोल हुआ, रॉय कृष्णा का गोल हुआ, इट वाज सुपर। जी यहाँ पे जैसे रॉय कृष्णा वाले गोल, मनवीर सिंह वाले गोल में युगो बुमो का काफी बड़ा हाथ था उसमें, आते साथ उन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया। यस, जैसा हम लोगों ने देखा कि पहले गोल में अकेले आगे गए, एक छोटा सा थ्रू बॉल खेला लिस्टन कोलासो को, उन्होंने शॉट मारा, गोलकीपर ने सेव किया, रॉय कृष्णा ने आराम से चिप कर दिया उसको, चिप कर दिया गोल। दूसरे में काफी अच्छा है कि स्कैन किया, थ्रू बॉल निकाला डायरेक्ट, और मनवीर सिंह को पूरा वन ऑन वन डाल दिया था गोलकीपर से, जो गलती किया नहीं उन्होंने, एक बार पूरा गोल कर दिया एक साथ। फिर आई वुड लाइक टू आस्क, सो द चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग एटीके मोहन बगान इज वेरी हाई राइट, क्या लगता है तुम्हें? मुझे भी लगता है काफी हाई चांसेस उनके, दो मैच में दोनों उन्होंने जीता है अभी तक, फिर अगला मैच उनका वसुंधरा किंग्स के साथ है, जो कि दो मैच के चार पॉइंट के साथ, अगर वो लोग ड्रॉ भी करते तो क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे वो लोग, एटीके मोहन बगान जीतते तब भी कर ही जाएंगे, अगर हारेंगे तब, जी हाँ, तब वसुंधरा किंग्स जा सकती है, काफी हाई चांसेस है। वसुंधरा किंग्स को देखा हमने बेंगलुरु एफसी के साथ, अच्छा खेला था, परफॉर्मेंस इज रियली वेरी गुड। सो दैट्स इट देन फॉर टुडेज वीडियो, and we'll be back with another video soon, and if you like the video, don't forget to subscribe the channel, and because we have lots of videos more coming, so till then, stay safe, stay healthy.